हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, किसी व्यक्ति को दोनों ही कानों से यथासंभव इलाज के बाद भी बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता, या बेहद कम सुनाई देता है। बेहद कम का मतलब होता है दोनों ही कानों से 60 डेसिबल या इससे ऊपर का ही सुनाई दे रहा है, तो उस व्यक्ति को कानों के संबंध में दिव्यांग मान लिया जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ये भली बात ही आपको बताया था, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति को 60 डेसिबल या इससे ऊपर की ही आवाज सुन रही है, डॉक्टर इसका कैसे पता करेंगे? दोस्तों, इसमें डॉक्टर एक प्राथमिक टेस्ट होता है जिसको ऑडियोमेट्री टेस्ट बोलते हैं, वो करते हैं और उसके माध्यम से पता कर लेते हैं। यह टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले डेसीबल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, डेसीबल क्या होता है? जो हमारी आवाज होती है, आवाज में जो लाउडनेस बढ़ती रहती है, जैसे मैं धीरे से बात कर रहा हूं, मैं और जोर से बात कर रहा हूं, मैं चिल्लाकर बात कर रहा हूं, तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरी आवाज की लाउडनेस बढ़ती जाएगी, मेरी आवाज का डेसीबल भी बढ़ता जाएगा। जैसे मैं किसी के कान में फुसफुसा रहा हूँ, धीरे से बात कर रहा हूँ, तो इसका डेसीबल 30 होता है। अगर मैं आपसे साधारण रूप से बात कर रहा हूँ, तो इसका डेसीबल 60 होगा। जो मोटर गाड़ी होती है, बाइक होती है, उसका डेसीबल 70 होता है। जो ट्रक होते हैं हमारे, उसका 80 डेसीबल होता है। जो हमारे बुलडोजर होते हैं, बहुत जोर से आवाज करते हैं, उनका डेसीबल 100 से 110 के आसपास होता है। तो जैसे जैसे हमारी आवाज की लाउडनेस बढ़ेगी, हमारी आवाज में जोरदार तरीके से आवाज होगी, तो उसको हम कहेंगे कि उसका डेसीबल भी बढ़ता चला गया। तो जो हमारा ऑडियोमेट्री टेस्ट होता है, इसके माध्यम से डॉक्टर यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति को कितने डेसीबल से ऊपर की आवाज ही सुनाई देती है। ये ऑडियोमेट्रिक टेस्ट कैसे होता है, आप स्क्रीन में साथ में देख भी सकते हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसको कम सुनाई दे रहा है, जिसकी डॉक्टर जांच करेंगे, उसको एक कानों पर हेडफोन लगा दिया जाता है। यह हेडफोन एक मशीन से जुड़ा रहता है। इस मशीन से डॉक्टर तरह तरह की आवाज पेशेंट को भेजते रहते हैं, और पेशेंट को यह कह दिया जाता है कि अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो हाँ, मैं आपको उंगली खड़ी करनी है, या कोई बटन वगैरह कह देते हैं कि आपको बटन दबा देना है, ताकि डॉक्टर जान ले कि हाँ, मरीज को वह आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है, उस मरीज के कानों तक जो मशीनों द्वारा उसको आवाज भेजी गई है पेशेंट को, सिर्फ वही जानी चाहिए, और आसपास जो वातावरण है उसकी आवाज उसको न जाए, इसलिए मरीज को एक साउंड प्रूफ कमरे में बैठा दिया जाता है। आप साइड में देख सकते हैं स्क्रीन पर, साउंड प्रूफ एक कमरा होता है, उसमें अगर मशीन से अलावा कोई बाहर से इधर उधर से आवाज जाती है, तो उसकी जो छत होती है, दीवार होती है साउंड प्रूफ कमरे की, वो उस आवाज को, बाहर की आवाज को सोख लेती है, और सिर्फ जो हेडफोन में आवाज जा रही है मशीन के माध्यम से, मरीज को सिर्फ और सिर्फ वही आवाज सुनेगी, और उसी आवाज के प्रति मरीज प्रतिक्रिया करेगा, और अगर आवाज उसको सुन रही है, तो हाँ, वे उंगली खड़ी कर देगा। तो इस तरीके से डॉक्टर बारी बारी से जो आवाज भेजते हैं, उनका क्या रिएक्शन मरीज दिखाता है, हाँ, वे उंगली खड़ी करता है या नहीं करता, एक पैरा एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसको हम ऑडियोग्राम बोलते हैं। यह ऑडियोग्राम रिपोर्ट ऑडियोमेट्री टेस्ट की होती है, और उसके आधार पर डॉक्टर इस चीज का पता कर लेते हैं कि किसी मरीज को कितने डेसिबल की आवाज ही सुनाई दे रही है, इतना डेसिबल या उससे ऊपर की आवाज सुनाई देती है। इस आधार पर फिर डॉक्टर का दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें कोई व्यक्ति झूठ भी तो बोल सकता है कि उसको तो आवाज सुनाई नहीं दे रही, उसके कानों में जा रही है, उंगली खड़ा ना करे, वह अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र झूठे तरीके से बनवाना चाहता है, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है, वह डॉक्टरों का सहयोग ही नहीं करेगा, अपनी उंगली नहीं उठाएगा, तो ऐसे में क्या होगा, उसका जो ऑडियोग्राम रिपोर्ट है वो गलत हो जाएगी, और डॉक्टर उसका फर्जी प्रमाण पत्र बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर मरीज सहयोग नहीं करता इस टेस्ट में, डॉक्टर पहचान लेते हैं, उसका जो ऑडियोग्राम टेस्ट है वो उल्टा सीधा आ जाएगा। डॉक्टर बारी बारी से इस तरीके से आवाज भेजेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और अगर कोई सात्विक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति है, और उसका टेस्ट झूठा हो जाता है, कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, तो डॉक्टर के पास इसका भी समाधान है, एक दूसरा टेस्ट डॉक्टर करा देते हैं, उसको बेरा टेस्ट बोला जाता है। दोस्तों, बेरा टेस्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें मरीज को एक साउंड प्रूफ कमरे में ही लेटा दिया जाता है, और लेटाने के बाद उसको हिलना डुलना नहीं होता, वो सीधा एकदम लेट जाएगा, और उसके कानों में ईयरफोन लगा दिया जाएगा, और सर में जगह जगह इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और एक मशीन के माध्यम से इलेक्ट्रोड तथा ईयरफोन को लगा दिया जाता है, और तरह तरह की उसको आवाज छोड़ी जाती है इसमें। दोस्तों, यह बच्चों का भी होता है ये टेस्ट, और इसमें चूंकि हिलना डुलना नहीं पड़ता, तो बच्चे को थोड़ी नींद की दवा वगैरह कुछ ऐसी डोज दे दी जाती है, ताकि उसको नींद आ जाए।
बड़े व्यक्ति को नींद की दवा नहीं दी जाती, उनको कह दिया जाता है कि आपको हिलना डुलना नहीं है, तो इसमें फिर तरह तरह की आवाज छोड़ी जाएगी। और जो ध्वनि तरंग छोड़ी जाती है, कान में हमारे कोकलर हड्डी होती है, उस कोकलर हड्डी पर वह ध्वनि तरंग टकराती है, और कोकलर हड्डी क्या रिएक्शन करती है दोस्तों, वह मशीन एक कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होती है, स्क्रीन पर डॉक्टर देखते रहते हैं कि तरह तरह की जो ध्वनि तरंग है उनका कोकलर हड्डी पर क्या रिएक्शन हो रहा है, उसके आधार पर डॉक्टर एक पैराग्राफ बना देते हैं। दोस्तों इस टेस्ट में किसी मरीज से कोई सहमति नहीं मांगी जाती, उसको वो आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही, उसकी न तो उंगली उठाई जाती न उससे कुछ पूछा जाता, ये प्योर टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसमें सारी जो रिपोर्ट आएगी वो कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से कंप्यूटर उस रिपोर्ट को देगा, मरीज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें मरीज कुछ भी कहे हाँ या ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थोड़ी टेक्नोलॉजी महंगी भी है, अगर प्राइवेट कराते हैं कहीं इसका तो थोड़ी महंगी होती है, खैर ये दूसरी बात है, लेकिन इसमें जो भी रिपोर्ट आती है वह बिल्कुल सच और झूठ इसमें सामने आ जाता है। तो दोस्तों फिर उसके आधार पर डॉक्टर इसमें तैयार करते हैं रिपोर्ट, और सही तरीके से डेसिबल आ जाता है, और झूठे प्रमाण पत्र बनने की बिल्कुल भी इसमें उम्मीद नहीं रहती। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है कि कानों से उसको सुनाई दे रहा है और वह कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा और अपना प्रमाण पत्र बनवाना चाहता है इस तरीके से, तो आप सावधान हो जाइए, यह एक अगर डॉक्टरों के पकड़ में आ जाती है बात तो इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और दिव्यांग प्रमाण पत्र बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि डॉक्टर पहचान लेंगे और उसका बैरा टेस्ट करा देंगे। अगर कोई वाकई किसी को दिक्कत है तो ही अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाए, यह जो वीडियो है दिव्यांग हित में है, जो सही में दिव्यांग है दिव्यांग को दिव्यांग का हक मिलना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र बनना चाहिए, ताकि वह अपनी सरकारी सुविधाओं का दोस्तों लाभ ले सके। धन्यवाद।